नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वस्तिका तिवारी वाराणसी से। आज मैं बात करूंगी इम्यून बूस्टिंग डाइट के बारे में, क्योंकि इस कोरोना महामारी के दौरान हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है अपने खाने पीने के बारे में। हमें उन सब खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे और हमें इस रोग से लड़ने की क्षमता दे। तो ये सब सारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे किचन में बड़े आराम से मिलते हैं। जैसे अब दिन की शुरुआत करें तो वो है मॉर्निंग टी। तो मॉर्निंग टी अगर हम गुनगुने पानी में हल्दी या थोड़ी सी दालचीनी डालकर, थोड़ा शहद डालकर उसे ले, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत होगी। या फिर हम ग्रीन टी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए हैं। उसके बाद जिंजर टी भी पी सकते हैं। जिंजर एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसके अलावा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उन्हें खाने में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4 से 5 सर्विंग, मतलब 2 कटोरी अगर हम फ्रूट्स खाएं तो 2 से 3 कटोरी वेजिटेबल्स लेना चाहिए। फ्रूट्स में अभी सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है विटामिन सी पर, तो विटामिन सी हम सारे खट्टे फ्रूट्स से हमें मिल सकता है, जैसे कि संतरे, नींबू और आंवला। इसके अलावा हम अनार या अनार का जूस ले सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फिर आते हैं गार्लिक पर। गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होते हैं। फिर एक सुपर फूड है ब्रोकली। ब्रोकली में भी बहुत गुण है, उसमें है आयरन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है और एक ग्लूटाथायोन नाम का उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है और बी कॉम्प्लेक्स भी है इसमें। फिर आते हैं स्वीट पटेटो, जो शकरकंदी, ये भी बहुत ही अच्छा वेजिटेबल या फ्रूट बोलिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए है और इसमें कोई फैट और कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। फिर आते हैं पालक। पालक हमें रोज़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रिच सोर्स है आयरन और फोलिक एसिड का, प्लस इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। फिर आते हैं मशरूम पर। मशरूम में एक कंपोनेंट है सेलेनियम, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, प्लस ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड बी कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा वाटरमेलन, जो अभी सीजन में है, वाटरमेलन इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, B6 एंड ग्लूटाथायोन, प्लस बेरीज जो आजकल फैशन में है, बेरीज तरह तरह के, मिक्स्ड रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज जो पैकेट्स में मिलते हैं, या स्ट्रॉबेरीज, वो भी ले सकते हैं। उनके में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसके अलावा आजकल वीट जर्म, जो अंकुरित गेहूँ है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई, जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। फिर आते हैं हम योगर्ट पे। योगर्ट यानी दही, लेकिन वो लो फैट होना चाहिए। योगर्ट में बहुत अच्छे मात्रा में कैल्शियम, विटामिन डी मिल सकता है, प्लस ये सोर्स ऑफ गुड बैक्टीरिया है, जिसे लैक्टोबैसिलाई कहते हैं, और लैक्टोबैसिलाई हमारे गट के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए अच्छा विकल्प है अंडा। डेली 1 से 2 अंडे खाने चाहिए, बिकॉज एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ जिंक, और आजकल जिंक पे बहुत जोर दिया जा रहा है। कोरोना काल में 3 विटामिन, विटामिन सी, जिंक एंड विटामिन डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी हम ले सकते हैं आधे घंटे सुबह धूप में अगर हम बैठे, या विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं जो हम अपनी डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं। जिंक के टैबलेट्स आते हैं 50 मिलीग्राम, वो हम डेली ले सकते हैं। विटामिन सी 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक हम डेली ले सकते हैं। इसके अलावा जितने डाइट में अगर हमें जो मिले विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी, वो सब हमें लेना चाहिए। ये अभी तीनों बहुत ही ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर माइल्ड कोविड सिम्टम है या फिर सिर्फ हल्की सी ज़ुकाम है, तो चिकन सूप बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चिकन सूप में प्रोटीन होता है और ये म्यूकस को कम करता है। तो ये रहा जो हमारे किचन में आसानी से उपलब्ध है, ये इन सब चीज़ों को हम डेली अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।